मीरा को मार डालो। तो बोले मीरा को मारे कैसे, मर्जी तो है नहीं है। जैसे प्रहलाद जी को खूब मारने का प्रयास किया और जो नहीं मरते प्रयास, तो महाराज जी कहते घबरा गया वो हिरण्यकश्यप। बोले क्यों? बोले मेरे बाद यही राजा बनेगा और फिर मुझसे गिन गिन के बदला ले रहा है। कहेगा तुमने ऐसे मारने का प्रयास किया था, तुमने ऐसे मारने का प्रयास किया था, तो घबरा गया। लेकिन गुस्सा में बोला, एक बात बता, तू मरता क्यों नहीं? तो प्रहलाद जी कहते पिताजी जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक मैं नहीं मर सकता। और इतने को मार देते हैं तो पूरी शक्ति आ गई तभी मारते हो, आप में कुछ ताकत नहीं है किसी को मारने। तो किसके बल पे इतना बोलता है? बोले जिसके थोड़े से बल से आप गरजते हो, जितना गरज रहे हो ना उस थोड़े से बल से, जाके बल लव ले सते, थोड़े से बल से जाके बल लव ले सते, जितनु चराचर झार। फिर इसी बात को रावण को कहा है हनुमान जी महाराज ने कि मैं कौन हूं? बोले जिसकी नारी का हरण करके ले आए हो ना, उन्हीं राम जी का दूत हूं मैं। किसके बल पे? जाके जिनके थोड़े से बल से आप इतना गरज रहे हो। तब कहता है ना कश्यप, वो कहां है वो? पिताजी कहां, मैं क्या कहूं, ये पूछो कहां नहीं है वो? आप में है, इनमें है, इनमें है, मुझ में है, इसमें है, यहां है, इस खंभे में है और इस खंभे में भी, खंभे में है, यहां है। वे घूंसा मारा मार चूर चूर हो गया खंभे का। तो खंभे में थे नहीं नरसिंह भगवान, लेकिन भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए और एक समय प्रकट नहीं हुए, धीरे 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 पहले प्रकाश हुआ, खंभा टूटे हुए खंभे से पहले प्रकाश हुआ, प्रकाश होते 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 ठाकुर जी के सिंह वाला रूप निकला, ऊपर से मस्तक निकला और देखा ये सिंह तेरा भगवान है। और फिर निकलते 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 फिर दो हाथ, फिर नीचे का शरीर मनुष्य का और फिर नीचे हम पैर निकले महाराज मनुष्य के। ये क्या चीज है, ये कोई ये कौन सा जंतु है, हमने देखा है नहीं ऐसे जंतु, ये तेरे भगवान है। और यहां ये हमारे भगवान है। और जब एक बार गर्जना की नरसिंह भगवान ने, घबरा गया एकदम एक पल के लिए, तो अच्छा लगता है ताकत वाला है। तो फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। तो यहां कह रहे हैं कि ठाकुर हार में वो कुछ भी सही, अकबर जो है था तो भाग्यशाली, उसे स्वामी हरदास जी महाराज का, विठलनाथ जी का, तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, कुंभनदास जी का, नंददास जी, कितने महापुरुषों का उसने दर्शन किया था और कितने चमत्कार देखे थे उसने। तो महाराज पूछा, देखा कि मरेगी कैसे, तो बोले के इसके प्राण अटके हुए हैं गिरधर गोपाल में, अगर गिरधर गोपाल इसके पास से गायब हो जाए तो ये खुद से पटक पटक के जान दे देगी। जैसे कोई मणि वाला सर्प होता है, उसकी मणि को छीन लो तो व्याकुल होके सिर पटक पटक के जान दे देता है,
मणि के बिना उसको जीवन जीना भारी पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, राम नाम महामणि फणी जग जाल रे, मणि लिए फणी जिए व्याकुल बिहार रे। ये राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये क्या है? ये महामणि है। अगर नाम लेते रहे तो कली कुछ नहीं कर पाएगा, और नाम छूटा तो कली ने पकड़ा। तो निश्चित कर लिया उसने, विक्रम ने, कि इसके गिरधर गोपाल को इससे हटाना है। एक दिन आग महाराज मौका देखने लगा, एक दिन किसी काम में व्यस्त हो गई मीरा जी, उसको मौका दिखा और उठा लिया महाराज गिरधर गोपाल को और लेके बाहर भागा। तो दरवाजा संयोग की बात फटाक से आवाज आई लगाएगी, तुरंत मीरा जी ने देखा, कौन देखा? ठाकुर जी ने, और भागता हुआ दिखाई दिया, समझ गए मेरे ठाकुर को ले गए, और पीछे पीछे भागी और दौड़ी दौड़ी चली जा रही महाराज, और भागता भागता आगे आगे वो पीछे पीछे मीरा जी। पास में गया, एक सरोवर था, उस सरोवर में ही उसने उनको ठाकुर जी को फेंक दिया। जैसे ही डाला, अब डालने के बाद खिलखिला के हंसने लगा, ले ले पकड़ ले, अब पकड़ ले मेरे को। मीरा जी व्याकुल हो गई, हा प्राणा, आपके बिना मैं कैसे जीवित हूं। तो मीरा जी भी उसी में कूद गई, जहां पर गिरधर गोपाल जी को डाला। यह है प्रेम। पद्मावती जी जयदेव जी की अर्धांगिनी रानी के पास बैठी थी, और रानी के भाई जो है युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनकी भाभियों ने, किसी ने आग में कूद के जान दे दी, कोई सती हो गई, किसी ने हाथ काट लिया, तो हा मेरी भाभी कितनी पवित्र थी, अद्भुत प्रेम था उनका, जिन्होंने भाई के लिए इतना किया। बार बार कह रही थी, पद्मावती जी बैठी थी, सोच रही थी कि ये भी प्रशंसा करे मेरी भाभी की। पद्मावती जी कुछ नहीं बोली, बार बार कही तो पद्मावती जी बोली, रानी जो ये प्रेम नहीं है, प्रेम तो उसको कहते हैं जैसे ही सुने कि मेरे पति चले गए, तुरंत हा प्राणा, ऐसा कहकर प्राण चले जाए, वो है सच्चा प्रेम। उसके आग लग गई महाराज, यह प्रशंसा तो कर नहीं रही है हमारी भाभी की, उल्टा उपदेश और कर रही है। बोले हाँ, ऐसी ऐसी प्रीति तो तुम्हारी होगी। चुप हो गए। अब मन में बैठ गया, रानी के परीक्षा लूंगी मैं। तो राजा से कहा, तुम स्वामी को, स्वामी जी को, जयदेव जी को दूर लेके जाओ घुमाने के लिए, शाम को आना। ले गए, इधर कहा दासियों से, तुम रोते रोते आना, कहना स्वामी चले गए। रोती रोती आई, हा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, क्या हुआ? और स्वामी जी धाम चले गए। पद्मावती बैठी रही, रोने लगी रानी भी। पद्मावती जी बोली, रोइए मती ना, क्यों? मेरे पति सकुशल है, अगर उनको कुछ भी हुआ होता तो इस शरीर में प्राण नहीं रहते। शाम को स्वामी जी आ गए। अब महीना दो महीना बाद फिर परीक्षा लिया, फिर भेज दिया, फिर वही नाटक किया। तो श्री पद्मावती जी समझ गई कि ये मेरे प्रेम की ये परीक्षा लेना चाहती है। जैसे ही सुना के स्वामी जी लगे, हा नाथ, प्राण छोड़ दिए, और रानी का चेहरा फक्क पड़ गया, सफेद पड़ गया। ये क्या हुआ?
मैं तो सोच रही थी इनकी हंसी करूंगी, इनके प्राण निकलेंगे तो हंसी करूंगी, बड़ी बनती थी सती हो गया, यहाँ तो चेहरा फक्क पड़ गया हमारा, अब तो जान भी सब होने लगी। अब तो शाम को आए स्वामी जी, पता लगा कि पद्मावती जी चली गई, बोले चलो ठाकुर जी की जैसी इच्छा। अब राजा के हृदय में दुख बैठ गया, राजा चिता में जलने को तैयार हो गया। स्वामी जी मना किया, बोले नहीं महाराज, मैंने इतना सत्संग किया उसका फल यह निकाला मैंने। तो स्वामी जी ने कहा चलो को, स्वामी जी ने गीत गोविंद का अष्टपदी गाना प्रारंभ किया और मध्य में ही पद्मावती जी जीवित होके और स्वामी जी के स्वर में स्वर मिला के गीत गोविंद गाने लगे। तो कहते प्रिय प्रीत ऐसी है प्रेम, कूद पड़ी मीरा जी श्रीधर गोपाल के लिए और उनको मिल गए, पानी में डाला था लेकिन उनके खुद अपने आप पास में आ गए श्रीधर गोपाल पानी में, और डूबी तो वहां, कूदी कहां, बोले वहां, और निकली कहां, बोले वृंदावन। कह रहे हैं वृंदावन आई जीव गुसाई जूसो मिली झीली, तिया मुख देख वे को पन ले छुटायो है, तिया मुख देख वे को पन ले छुटायो है। कहां निकली, अरे चीर घाटी 500 वर्ष पहले। उस समय बहुत कम महात्मा संत वृंदावन में रहते थे, तो बाहर निकली तो कुछ माताएं ब्रजवासिन स्नान कर रही थी यमुना जी में, सवेरे सवेरे का समय वहां निकली, सबको आश्चर्य हुआ, ये तो दुखी तो यहां से तो गई नहीं, गोता लगाने निकल कहां से रही है, और संग में गिरधर गोपाल का संग लिए हुए, ऐसा कोई देवी तो नहीं है, आप कहां से आई हैं। मीरा जी बोली ये बताओ यहां पर कोई दीपक है, तो ब्रजवासिन बोली यहां सब दीपक ही दीपक हैं, संतों की भाषा बड़ी गूढ़ होती है। मीरा जी का कहने का तात्पर्य था दीपक से तात्पर्य कोई भगवत प्राप्त संत है, जो दीपक को दीपक से जोड़ने पर दीपक जल जाता है, अर्थात जिनके दर्शन से ठाकुर की सन्निधि का आवास हो, कोई दीपक है। तो ऐसा समय था उस समय बोले सब दीपक ही दीपक है, अर्थात सभी उस समय स्वामी हरदास जी, हरिराम व्यास जी, रूप जी, सनातन जी, गोपाल भट्ट जी, रघुनाथ दास जी सब थे, और सभी एक से एक भगवत प्राप्त। तो बोले पास में कौन से दीपक हैं, तो बोले पास में तो जीव गोस्वामी जी है, क्योंकि चीर घाट से और राह दामोदर पास में, तो बोले यहाँ जीव गोस्वामी जी भजन करते हैं दामोदर में। अच्छा अच्छा बोले ये जीव गोस्वामी जी ने न जाने कितने अज्ञानी जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का समन किया है और ज्ञान रूपी प्रकाश का सुंदर प्राकटीकरण उनके हृदय में किया है। मीरा जी तुरंत जय जय गिरधर गिरधर गाते गाते पहुंच गई महाराज, सेवक सेवा में थे, सेवक से कहा मैं स्वामी जी महाराज से मिलना चाहती हूं। सेवक ने स्वामी जी से कहा, महाराज को स्वामी जी से, बोले प्रभु एक
स्त्री आई है, वो आपके दर्शन करना चाहती है। जी गोस्वामी जी, वो है, तुम जानते हो हमारा नियम है, हम किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। तो मीरा जी को वैसे ही दोहरा दिया, जैसे ज्यादा दूरी नहीं थी, पास में झोंपड़ी थी, यहां खड़ी थी, आवाज सुनाई पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसने दोबारा सेवक ने दोहरा दिया कि स्वामी जी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। जीव गोस्वामी की इस बात को सुनकर मीरा जी को थोड़ा प्रेमावेश आ गया और आवेश में बोली, अभी मैं जाके किशोरी से पूछती हूं, इस वृंदावन धाम में श्याम सुंदर प्यारे नंदनंदन वृंदावन चंद आनंद कंद के अलावा दूसरा पुरुष कहां से आ गया? मैं तो ये सोचती थी वही एक पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, अभी जाके पूछती हूं। अनंत गोपियां हैं, अनंत गोपियों के बीच में केवल एक ही कृष्ण है। भगवान शंकर को भी यदि प्रवेश चाहिए इसमें तो उनको भी गोपी बनना पड़ता है, इसलिए हमेशा नथनी वाला नथनी धारण करके बैठे रहते हैं गोपेश्वर पर। और गोपेश्वर भगवान की तुरंत जी गोस्वामी ने सुना, अभी जाके कृष्ण से, अभी जाके किशोरी से पूछती हूं, अरे जीव यहां की नहीं है, ये जीव वहां की है। तुरंत पर्दा कुछ करना नहीं पड़ा, जी गोस्वामी जी पर्दा खोल के बाहर आ गए और आके आओ ऐसे करके गले लगाया, कैसे, जैसे पिता पुत्री को गले लगाते हैं, बेटी तो सच्ची गोपी है। बोले, उन्हें देखकर मीरा जी तो ऐसे लिपट गई जैसे पुत्री बहुत दिनों के बाद पिता के पास आती है, ऐसे लिपट गई। हरिराम व्यास जी ने इसका वर्णन किया, मीरा बाई बिन को भक्त न पिता जाने और लावे। तब महाराज प्रेम से मिले, भगवत चर्चा हुई, यहीं पर ललिता जी के दर्शन हुए श्री मीरा जी को, और ललिता जी ने वृंदावन के समस्त कुंजों को और दिव्य दिव्य स्थलों का दर्शन मीरा बाई जी को कराया। देख कुंज कुंज लाल प्यारी सुख कुंज भरी, धरे ओरे मारे आए देश बन गायो है। अब महाराज तभी मीरा जी ने ऊपर गाया था, आली माने लागे वृंदावन नी को लागे वृंदावन नी को अली मोहे लागे वृंदावन नी को घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अली मोहे लागे वृंदावन नी को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को,
हरि मोहे लागे वृंदावन को रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे और मुकुट धरयो तुलसी को कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका सवद सुनत मुरली को मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको भजन बिना नर फीको अलि मोहे लागे वृंदावन नीको यहाँ का रसास्वादन प्राप्त किया घर घर जाके ब्रजवासियों का उसी को लिख दिया श्री मीरा जी ने गोविंद जी उस समय प्रकट हो चुके थे गोविंद जी का दर्शन किया अब महाराज उसके बाद मीरा जी वहां से वापस लौटी जब लौटी तो आपने श्री तुलसीदास जी को पत्र लिखा पहले यहां आई अपने स्थान और यहां आने के बाद जब राणा जी की अब मलिन मति अधिक बढ़ गई अर्थात साधु संतों का आना जाना और रोकने लगे सत्संग कीर्तन आदि से रोकने लगे व्यवधान करने लगे तब आपने पत्र लिखा तुलसीदास जी को पिता मान के उस समय तुलसीदास जी की ख्याति बहुत हो रही थी रामदेव मानस लिखी जा चुकी थी बहुत जगह ख्याति हो रही थी तो कह रहे हैं अब नहीं मानू राणा थारी अब तुम्हारी बात नहीं मानने वाली मैं राणा जी अब मैं अब नहीं मानू राणा थारी मैं बर पायो गिरधारी मणि कपूर की एक गति है को कहो हजारी कंकर कंचन एक गति है गुंज मिरच एक सारी अनड़ धनी शरणोलीनो अरे हाथ सुमरनी धारी जोग लियो तब क्या दिल गिरी गुरु पाया निज भारी साधु संगत यह दिल राजी साधु संगत यह दिल राजी भई कुटुंब सो न्यारी मुझे परिवार की कोई चिंता नहीं है भई कुटुंब सो न्यारी अरे करोड़ बार समझाओ मोको आप मुझे करोड़ों बार समझाइए लेकिन मैं संत का संग छोड़ने वाली नहीं हूं करोड़ों बार समझाओ मोको चलूंगी बुद्धि हमारी रतन जटित को टोपा सिर पे अरे हार कंठ के भारी चरण घूंघरू धमस पड़त है मोय करा श्याम सो यारी लाज शरम सब ही मैं दारी यौतन चरण अघारी मीरा के प्रभु गिरधर नागर झक मारो संसारी संतों की भाषा जो होती खड़ी होती है झक मार कहते ना झक मार के क्या करो यहाँ पे जाओ यहाँ से
तो कह रहे झक मारो संसारी, संसार जो झक मारता मारता रहे, मैं तो अपनी बाजी मार ली। इस देह को प्राप्त करके जो प्यारे को प्राप्त करना था मैंने कर लिया, हम तुम्हारे सुनने वाले नहीं। तो श्री तुलसीदास जी महाराज को आपने पत्र लिखा कि मैं सबसे तंग आ गई हूं मेवाड़ से, अब मुझे कोई राह बताइए। तब आयो मेवाड़ ते विप्र नाम सुखपाल, मीराबाई पत्रिका लायो प्रेम प्रवाल। एक सुखपाल नाम के ब्राह्मण के हाथ मीरा जी ने पत्र भेजा। काम जो है ये विप्र ही बनाते हैं, रुक्मणी जी का भी काम विप्र नहीं बनाया था, कहीं भी बात देखें विप्र ही काम आते हैं, चाहे ब्याह कराना हो तो विप्र ही आते हैं, घर प्रवेश कराना हो तो विपरीत काम आते हैं, दुकान का पूजन कराना हो तो विपरीत काम आते हैं। इसलिए अतुल पूज्य हैं विप्र, और विप्रों की भाव से हृदय से पूजा करनी चाहिए। अरे वहां तो ठाकुर ने रुक्मणी जी की जब पत्र लेके पहुंचे तो ठाकुर कहते हैं अब कहां जाओगे, तो संगी चलते हैं, साथ ही चलते हैं और संगी लेवा लग जाते। तो कह रहे हैं स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गोसाई, बारहि बार प्रणाम करो अब हरो शोक समुदाई, घर के स्वजन हमारे जेते अरे सबन उपाधि मचाई, साधु संग हरि भजन करत मोहि देत कलेश महाई। अरे बाला पनते मीरा कीनी श्री गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों लगन लगी बरियाई, मेरे तात मात के सम हो, मेरे माता पिता के समान हो आप। कौन? तुलसीदास जी। मेरे तात मात के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोकु कहा उचित करिबो है सो लिखिए समझाई। तो पत्र लिखा समझा के लिखी, तो गोस्वामी जी अब कल भेजेंगे पत्र लिख के, और फिर मीरा जी कैसे द्वारिकाधीश भगवान में सदैव समा जाएंगी, जैसे कि महाप्रभु जी सदैव समा गए थे श्री जगन्नाथ भगवान में, ऐसे मीरा जी सदैव श्री द्वारकाधीश भगवान के श्री अंग में समाएंगे, इसका वर्णन कल करेंगे। आज वाणी को विराम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री युगल सरकार की, सब संत भगवान की जय जय। श्री राधे हिताई गौर हरी।